स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रॉम्फेन बेनर के बायो इकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में, सामाजिक परिस्थिति दृष्टिकोण सिद्धांत के बारे में, और जितने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर टॉपिक वाइज कंटेंट ऑफ सीडीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस थ्योरी में बेसिकली बात किसकी है। यहाँ पे सबसे पहले ये थ्योरी दी गई है यूरी ब्रॉम्फेन बेनर के बारे में। वो हैं ये शख्स जिन्होंने ये थ्योरी दी, और ये थ्योरी, ये सिद्धांत बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि हर तरफ से, जैसे अभी हमने पिछले कई सारे लेक्चर्स में ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइप्स, मैच्योरेशन, ये सब अलग एक दूसरे से कैसे हैं, इन सब के बारे में बात की, उसी से रिलेटेड ये भी एक थ्योरी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि सारे ग्रोथ डेवलपमेंट को क्लियर करती है। सबसे पहले इन्होंने ये पहचाना कि कोई भी एक बच्चा जो है वो अपने पूरे एक, उसका जो डेवलपमेंट है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है, वो पूरे अपने सामाजिक दृष्टिकोण, जो उसके आसपास के पर्यावरण है, उन सारे प्रणालियों के साथ मिल करके, उसके साथ इंटरैक्शन करके, तभी उसका जो ग्रोथ है वो सक्सेसफुल होता है, वो लाइफ लॉन्ग जो चलते रहता है उस पर अलग अलग तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं, वो सारे सिस्टम्स अलग अलग काम करते हैं, और जिससे कि उसकी ग्रोथ और उसके सोचने समझने और सारी शक्तियां जो होती हैं, जैसा इंडिविजुअल आज है, वो सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो जो बच्चा है वो सेंटर में रहता है, और जितने बाकी सारे सिस्टम हैं, जिन पांच सिस्टम की इन्होंने बात की है, वो पांच सिस्टम जो है वो उसके आसपास घिरे हुए रहते हैं। मैंने अभी कहा कि ये पांच सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो ये वो पांच सिस्टम है जिसका नाम है माइक्रो सिस्टम, जिसको हम कहते हैं लघु मंडल, फिर है मीजो सिस्टम जिसको हम कहते हैं मध्य मंडल, एक्सो सिस्टम जिसको हम कहते हैं बाह्य मंडल, माइक्रो सिस्टम जिसको हम कहते हैं बृहत मंडल, और क्रोनो सिस्टम जिसको हम कहते हैं घटना मंडल। इन सब में ये सारे की सारी जो चीजें हैं, वो बच्चा जो है वो देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल सेंटर में है, राइट, ये बिल्कुल सेंटर में है, और इसके बाद इन सब का अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। और आगे हम देखते हैं कि क्या क्या, किस तरीके से ये सारे जो सिस्टम्स हैं, किस तरीके का, कितने अमाउंट में, किस हिसाब तक और किस हद तक जा करके किसी भी एक बच्चे को प्रभावित करते हैं। आप जितने भी टीचिंग रिलेटेड जॉब्स हैं, उन सबकी प्रिपरेशन के लिए www.delhiwhites.in को विजिट कीजिए। वहां पे जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और सीटेट रिलेटेड कंटेंट है, वो सब आपको मिलेंगे। गो देयर एंड चेक इट आउट, बूस्ट योर परफॉर्मेंस विद डेली वाइट्स। आगे बढ़ते हैं माइक्रो सिस्टम की तरफ, जिसको हम कहते हैं लघु मंडल। ये उन सारे संस्थाओं का, उन सारे समूहों का एक ग्रुप है जो बच्चे के इमीडिएट पास में आता है। इमीडिएट पास मतलब की बात किस चीज की हो रही है, मतलब कि बच्चा उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, राइट। तो माइक्रो सिस्टम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट सिस्टम और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला सिस्टम। तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला सिस्टम कौन कौन सा हो सकता है, एक तो हमारा फैमिली, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स होगा, फिर स्कूल सिस्टम होगा, नेबरहुड सिस्टम होगा, और उनके पीयर्स। इन सब से बनता है माइक्रो सिस्टम। लघु मंडल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारी संस्थाएं, ये जितने भी समूह हैं, ये सारे के सारे बच्चे की सोच समझ, जितनी भी डेवलपमेंट, जितना भी टाइप का डेवलपमेंट, संज्ञान जिसकी भी हम बात कर सकते हैं, सारी के सारी चीजों को इफेक्ट करता है। उसकी सबसे पहली समझ जो बनाता है वो है लघु मंडल। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट। माइक्रो सिस्टम में यहाँ पे इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट की बात की है, पैदा होने के ठीक ठीक बाद कौन सा इन्वॉल्वमेंट उसे मिल रहा है, दैट इज माइक्रो सिस्टम। आगे बढ़ते हैं मीजो सिस्टम यानी मध्य मंडल की तरफ। ये बात करता है जो छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम्स होते हैं ना, यानी जो लघु मंडल है, उन सब के बीच में संबंध कैसा है, उसके बारे में, जो इंटरकनेक्शंस जैसे भी रहेंगे, मध्य मंडल उसी के बारे में बात करता है। एज इन कि आप एग्जांपल के तौर पे ये समझ सकते हैं कि फैमिली और टीचर मिलते हैं कब, पीटीएम में मिलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिलते हैं। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब वो मिलते हैं, तब पेरेंट्स और टीचर के बीच में क्या बातें हो रही हैं, किन संदर्भ में वो बात कर रहे हैं, उन सब से जो बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, उसकी बात हो रही है मीजो सिस्टम में। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सिर्फ पीटीएम की ही बात नहीं हो रही है,
पेरेंट्स का अपने बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स के प्रति जो व्यवहार है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लेडी है वो कह रही है कि आई डोंट अप्रूव योर न्यू फ्रेंड, यानी मैं तुम्हारे नए दोस्त को अप्रूव नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो बच्चा जो है वो बहुत ही उदास हो गया है। तो इस पे इमीडिएट इफेक्ट आया है क्योंकि इन्होंने इस बच्चे को कहा है कि ये अच्छा नहीं है, तो तुम मतलब बात मत करो, दूर रहो। छोटा बच्चा तो यही समझता है कि अगर माँ ने किसी चीज को या हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर ने इस तरीके से कुछ ऐसे बात कही है तो वो सही नहीं है, तो हमें उससे पीछे हटना है। अगर उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है फिर भी वो पीछे हटेंगे, बिकॉज वहां पे ये सिस्टम बना हुआ है कि वॉट एवर द मम इज सेइंग शी इज राइट, एवरीथिंग जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है, क्योंकि इमीडिएट इन्वायरमेंट है लघु मंडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, माइक्रो सिस्टम इमीडिएट इन्वायरमेंट है जहां से बच्चा पला बड़ा है, तो वहां पे जो भी चेंजेस होंगे उसका इन्फ्लुएंस हमें आगे हर सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा। तो मीजो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम के बीच में जो इंटरकनेक्शंस है वो एस्टेब्लिश होना और उसकी वजह से जो चेंजेस या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बात हो रही होती है, राइट। अब सेकेंड इमेज में आप देखिए कि यहाँ पे जो इसकी लेट्स से मम है, यस शी इज द मम, अब ये बोल रही है कि योर फ्रेंड इज ऑसम जिमी, इसने कहा कि भाई आपका जो आपका फ्रेंड है वो बहुत ही अच्छा है। द बॉय इज वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश है, उत्साहित है, क्योंकि उसका दोस्त उसकी मम्मी ने अप्रूव किया है, उसके साथ वो रह सकता है, घूम सकता है, देख सकता है, राइट। तो मध्य मंडल इस तरीके से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनका बिहेवियर जो है, मीजो सिस्टम का बिहेवियर जो है बाकी दूसरे सॉरी माइक्रो सिस्टम का बिहेवियर अनदर माइक्रो सिस्टम के साथ कैसा है ये स्थापित करता है, और इसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है इसकी वजह से आता है मीजो सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये देखिए इमीडिएट इन्वायरमेंट के बाद मीजो सिस्टम यानी कि कनेक्शंस, यहाँ पे लिखा भी हुआ मीजो सिस्टम दैट मींस की कनेक्शंस। आगे बढ़ते हैं एक्सो सिस्टम यानी बाह्य मंडल। बाह्य मंडल एक ऐसी चीज है जहां पे कि बच्चा डायरेक्टली बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। जैसे कि बात करते हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं दोनों वर्किंग हैं तो दोनों के वर्क कल्चर में उनका जो है क्या हो गया है कि भाई उनका ट्रांसफर हो गया, तो अब उनका ट्रांसफर हो गया तो इसकी वजह से किसी एक पेरेंट का ट्रांसफर हो गया तो मम्मी पापा के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कि कौन जॉब पहले छोड़ेगा, कौन बाद में छोड़ेगा, कौन किसको ज्वाइन करेगा। इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेस का माहौल घर में बना हुआ है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड के ऊपर उसकी डेवलपमेंट के ऊपर जो बात हो रही है, जो उनके जो घर में बात चल रही है या फिर जो उनके आसपास स्ट्रेस का माहौल है वो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। तो जब वो कैच कर रहा है तो वो भी उदास या फिर आसपास में जो चीजें देख रहा है उस हिसाब से वो भी क्रैंकी सा महसूस कर रहा है। तो ये होता है बाह्य मंडल, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन मोर और लेस इनडायरेक्टली मोर और लेस वो इफेक्ट कर रहा है बच्चा जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे हमने जितने मीजो सिस्टम की बात की थी और माइक्रो सिस्टम की बात की थी वहां पे बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व था, लेकिन एक्सो सिस्टम से बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे चीजें अब कुछ बच्चे की पकड़ से बाहर हो रही होती है, मम्मी पापा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, तो वो बस देख रहा है, देख रही है वो बच्ची की क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है घर में, मम्मी पापा टेंशन में है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ भी चीज नहीं है जो वो बच्चा कर सकता है या कर सकती है, राइट। तो उसकी वजह से जो एक्सपीरियंसेस उसके डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, बच्चा जो कैच कर रहा है नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है ना, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो भी चीजें वो कैच कर रहा है वो सारी चीजें आती हैं बाह्य मंडल के अंतर्गत, राइट। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और दे रखा है इमेज में प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो देखो प्लानिंग कमीशन किसी एक बच्चे को सोच करके प्लान नहीं की जाती है, स्कूल के प्लानिंग कमीशन की बात कर लें यदि तो वहां पे सारे बच्चे के संदर्भ में बात हो रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है कि किसी एक स्कूल में मान लीजिए 3 लैंग्वेज सिस्टम है तो बच्चे ने इंग्लिश हिंदी सीखी है, साथ में एक लैंग्वेज उसको और भी सीखनी है, चाहे वो भारत के किसी कोने की लैंग्वेज है वो सीख रहा है अपनी मर्जी से, तो उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हो रही है वो एक किस वजह से हो रही है, क्योंकि स्कूल ने कुछ स्ट्रक्चर प्लान करके रखा है, उनके करिकुलम में डाल रखा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे के विकास में वो एक अपना रोल
निर्धारित कर रहा है। चलिए जी देखते हैं ये क्या है। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, जो फर्स्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो है एग्जोसिस्टम। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली बात हो रही थी, यहां तक तो बात डायरेक्टली हो रही थी, मोर और लेस जो ये रेखाएं हैं वो ब्लर थी, लेकिन यहाँ के बाद अब बिल्कुल ये जो रेखाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट हो गई हैं कि अब ये एग्जोसिस्टम का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं मैक्रोसिस्टम यानी बृहत मंडल की तरफ। यहाँ पे जब बात हो रही होती है, बृहत मंडल की तरफ बात हो रही होती है, तो इसमें जो कल्चर है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो है जिसकी वजह से बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसकी बात हो रही है जब, तो वो है बृहत मंडल। ठीक है, यहाँ पे मैंने कल्चर का लिया, लोकेशन का लिया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, पॉवर्टी, इथिनिसिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी वजह से जो अपनी सोच डेवलप हुई है, मतलब अलग अलग माइक्रो सिस्टम में अलग अलग सोच डेवलप की हुई है, उसकी वजह से मीजो सिस्टम में अलग सोच एम्बेडेड है, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से जो होगा ये कंप्लीट। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो बिल्कुल अप्रोच से बाहर है। द कल्चर विच आई एम फॉलोइंग और आई बिलोंग टू हैज नथिंग टू डू विद मी। मैं अगर हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं सिख हूँ या मैं ईसाई हूँ या किसी भी धर्म से मैं रिलेट करती हूँ, तो उसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, और धीरे धीरे ये चीज पास डाउन कर रही है, ये कल्चरल चीजें जो है, सॉरी रिलीजियस चीजें जो है, वो चीजें पास डाउन कर रही हैं, राइट। इसकी वजह से कुछ मेरे अपने वैल्यू सिस्टम है, कुछ अपने कल्चरल सिस्टम है, कुछ हम त्योहार अलग मनाते हैं, कुछ हम अलग चीजें करते हैं, कुछ दूसरे धर्मों से अलग चीजें करते हैं, तो यहाँ पे जो चीज हो रही है वो मेरे पहुंच से, मेरी समझ से परे है। एक बच्चे की समझ से परे है कि वो होली क्यों मना रहा है, या एक बच्चे की समझ से परे है वो गुरु पर्व क्यों मना रहा है, ठीक है, या मना रही है कुछ भी, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीजें बिल्कुल ऊपर से चलती आ रही है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि यहाँ पे चीजें अब बच्चे की पहुंच से बहुत बाहर है, यहाँ पे बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ बच्चा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है आसपास में, और वहां से वो अपने वैल्यूज को इनकलकेट कर रहा है अपने अंदर, राइट। यहाँ पे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज की बात है, हेरिटेजेस की बात है, और अलग अलग मैक्रो सिस्टम जो इवॉल्व हो रहे हैं जेनरेशन वाइज, अलग अलग जेनरेशन में जो मूल्य, जो विरासत दी जा रही है, जो आइडेंटिफिकेशन दिया जा रहा है कि तुम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो या तुम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती हो, तो ये सारी चीजें बच्चे की समझ से बाहर है। उन संस्कृतियों को बस उसने अपना लिया है एज इट इज, क्योंकि यही चीज चलते आ रही है विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। यहाँ पे समथिंग इज लाइक कि कुछ एक ऊपर में सुप्रीम चीज है जो चल रही है, हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। चलिए जी यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या है, एकदम एक समान भाषा में लिखा हुआ है, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज दैट इंक्लूड्स मैक्रो सिस्टम। इसकी वजह से जो वैल्यूज, सोशल और कल्चरल वैल्यूज की वजह से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी भी बच्चे के ऊपर, उसी को हम कहते हैं मैक्रो सिस्टम। आगे बढ़ते हैं घटना मंडल यानी क्रोनो सिस्टम की तरफ। क्रोनो सिस्टम इज जस्ट इज अ पैटर्न, एक पैटर्न है जो इवेंट्स और जो चेंजेस हो रहे हैं, उन सारे चेंजेस के बीच में जो ट्रांजिशन आ रहा है, उसकी वजह से जो पूरा एक घटना चक्र बन गया है, जो घटना चक्र तैयार हो गया है, उसी को हम कहते हैं घटना मंडल। अब इसकी बात हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, उन्होंने तलाक ले लिया है, तो बच्चे पे जितना प्रभाव फॉर दैट टाइम बीइंग पड़ेगा कि जब उन्होंने अलग, जब वो अलग हुए हैं, जब कोर्ट की हियरिंग हुई है, उतना प्रभाव उसको 4 महीने, 6 महीने एंड 1 साल और 2 साल बाद नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे वो यूज हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एक टाइम फ्रेम में चीजें चल रही है, राइट। तो ये टाइम फ्रेम है घटना मंडल, कि पूरा का पूरा, पहले हम कहते हैं ना कि वक्त सारे घावों को भर देता है, ये बड़ा ही प्रचलित कहावत है हमारे आसपास, हम सुनते हैं, वक्त घावों को भरता नहीं है, हम उसके साथ रहना सीख लेते हैं, वही चीज है क्रोनो सिस्टम। एक लाइन में अगर हम समझे तो वक्त जो घावों को भरता है ना, और जिन घावों के साथ रहने की आदत हो जाती है, वही है क्रोनो सिस्टम। दैट्स इट, एक सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि जिन चीजों से बचपन में इन्फ्लुएंस हो रहे थे, हम अब इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, क्योंकि वक्त के साथ हमने उसके साथ एडजस्ट कर लिया है, रहना सीख चुके हैं हम। कोई एक बिलीफ सिस्टम है, कोई एक पर्टिकुलर
काम करने का तरीका है, फेस्टिवल मनाने का तरीका है, उन सबको हमने देख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, हमारे अंदर वो निहित हो चुका है और अब हम धीरे धीरे उसी के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, राइट। दिस इज वॉट अबाउट घटना मंडल। यहाँ पे देखिए क्रोनो सिस्टम चेंजेस ओवर द टाइम, जो हम कहते हैं क्रोनोलॉजी, समझिए यही है वो क्रोनोलॉजी जिसको समझना होता है। और देखिए यहाँ पे एक और है इमेज जो कि बहुत ही अच्छा इमेज है। यहाँ पे देखिए माइक्रो सिस्टम, यहाँ पे बच्चा बीच में दिया हुआ है कि ये एक बच्चा है, इसका माइक्रो सिस्टम स्कूल है, फैमिली है, डे केयर सिस्टम, पेयर्स, ये सारे हैं, फिर मीजो सिस्टम है, इन सब के बीच में रिलेशन कैसा है, देन एक्सो सिस्टम है कि एक्सटेंडेड फैमिली कैसी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली कैसे हैं, मैक्रो सिस्टम है कि वो कौन से आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, लॉज, कल्चर, कस्टम्स, किस चीज को मान रहे हैं वो, जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। और क्रोनो सिस्टम है कि एनवायरमेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पर्सन चेंज कर रहा है, दैट इज क्रोनो सिस्टम। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।